हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान के गांव में पहुंचेगा घरेलू नल कनेक्शन, महिला मुखिया के नाम को वरीयता देने का प्रस्ताव मंजूर। राजस्थान सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें गांव में घरेलू नल कनेक्शन को महिला मुखिया का नाम दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला है। प्रस्ताव पास होने के बाद जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जाएगा। ये कनेक्शन परिवार की महिला मुखिया के नाम पर जारी किया जाएगा। इसके अलावा ये निर्णय लिया गया है कि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में 50% सदस्य महिला होंगी। शेष सदस्यों में 25% पंचायत के निर्वाचित सदस्य एवं 25% गांव के कमजोर वर्ग STSC के प्रतिनिधि उनकी आबादी के अनुपात में शामिल होंगे। राज्य सरकार के इस फैसले से महिलाओं को अपने गांव में जल जीवन मिशन के प्रबंधन में भागीदारी निभाने का मौका मिलेगा और वे सशक्त बनेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में पानी की कमी की वजह से महिलाओं और लड़कियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन मिलने से ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को इससे राहत मिलेगी। जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन परिवार की महिला मुखिया के नाम पर देने का उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को अपने गांव में जल जीवन मिशन का नेतृत्व प्रदान कराया जा सके। इसके अलावा ग्राम स्तर पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस मिशन के तहत पिछले दिनों राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति की बैठक की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 6075 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में प्रदेश के 1290 ग्रामीण इलाकों में 338,919 घरों में नल का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश के 1136 गांव के लिए क्षेत्रीय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस मिशन के अंतर्गत 674 सिंगल विलेज एवं स्लम मल्टी विलेज स्कीम को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 249,166 हर घर नल कनेक्शन दिए जाएंगे। जागरूक टीवी की जयपुर से खास रिपोर्ट।